flower for the beautiful lady. Thank you. आओ, इस शाम को और भी रंगीन बनाते हैं। अरे हाँ भाई, बोला ना पैसे देता हूँ। अरे सुबह से फोन कर रहे हो यार तुम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बहुत टाइम दे चुका हूँ तुम्हें, अगर एक हफ्ते में मेरे 50 लाख वापस नहीं लौटाए तो पैसे निकालने का दूसरा रास्ता भी पता है मुझे। धमकी दे रहे हो मुझे? शांत हो जाओ। धमकी ही समझो, सिर्फ एक हफ्ते है तुम्हारे पास। मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। धमकी देने ना दे तू। शांत हो जाओ विनय, ठंडे दिमाग से काम लो। उन लोगों को पैसा लौटाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकल आएगा। यहाँ जिंदगी हराम हुई पड़ी है और तुम कह रही हो कि ठंडे दिमाग से काम लो। How it's possible? 50 लाख रुपए है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम इसके बारे में घर चलकर बात करते हैं। अरे पर देखो मौसम कितना अच्छा, चलो अभी वॉक करते हैं। बाप का रास्ता है क्या? देख के नहीं जा सकता। उतर बाहर। अरे तुझसे कह रहा हूं उतर बाहर। ना मैं नहीं, तुम हो। और बाप पर कैसे गए तुम? मैं बताता हूं कैसे गया। अमन गुप्ता, विनय शर्मा। अरे कैसे तू? मैं बहुत बढ़िया यार, तू सुना तू कैसे? एकदम फिट एंड फाइन। कैसा लग रहा हूँ? सालों पहले जैसा दिखता था बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदला। ए निशी, अमन गुप्ता मेरे कॉलेज का दोस्त। हाय हाय। इतने सालों बाद हम मिले, कहाँ है तू, क्या कर रहा है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? अबे सारे सवाल यहीं पर पूछ लेगा क्या? एक्चुअली कुछ दिन पहले लंदन से लौटा हूँ, यही पास के एक होटल में रुका हूँ। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में मिलके आराम से सब कुछ बताता हूँ, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए कहीं पहुँचना है। एक काम, तू सारा काम खत्म कर और शाम को तू मेरे घर आ रहा है। क्यों? बिल्कुल, हम साथ में डिनर करेंगे और फिर गप्पे लड़ाते हैं। ये भी सही है। हाँ ठीक है, अपना नंबर दे दे। हाँ 8451826699। डन, तो शाम को मिलते हैं। गुड टू सी यू बड़ी। अच्छा लगा मिलकर मुझे। ख्याल रख अपना। अमन भाई एक बात कहूं, आपके आने से ना इस घर में रौनक आ गई। सच करो निशी। बिल्कुल, अमन से मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूं। लग तो मुझे भी नहीं रहा, जब आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा मानो आपको सालों से जानता हूं। ओ हो, अमन भाई मतलब फ्लर्टिंग वो भी मेरी बीवी के साथ। तो पुरानी आदत गई नहीं तुम्हारी। अरे रानी मोहन, थोड़ा चाय नाश्ता लेकर आओ ना। तो ये बताओ अमन भाई कि कॉलेज के बाद लंदन जाना कैसे हुआ? एक्चुअली लंदन में मेरे डैड का एक 5-स्टार होटल है। ओहो, तो वहां उनके साथ काफी टाइम से था। फिर लगा कि अब अपने देश जाकर कुछ करना चाहिए, तो बस चला आया वापस। अब बस यहीं पर रहकर एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा दोस्त इतना पैसे वाला है। वरना
मैं भी आ जाता लंदन। कोई जरूरी कॉल है तो बात कर लेना। अरे नहीं अमन भाई, कोई जरूरी कॉल नहीं है। और वैसे भी आज खुशी का दिन है, मेरा भाई घर आया है, मुझे नहीं चाहिए कोई मुझे डिस्टर्ब करे। वैसे यार आज इतनी सालों बाद हम मिल रहे हैं तो आज तो बोतलें खुलनी चाहिए, क्या बोलते हैं? बिल्कुल खुलनी चाहिए, और बोतलें खुलेंगी तो मैं जाता हूँ अरेंजमेंट करने। हाँ। तुम लोग दोनों बात करो। क्यों यू गया? यू आए जल्दी आना। आता हूँ भाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे दोस्त ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की है, वरना मैं कब का लंदन से आपसे मिलने आ जाता। सच में बहुत खूबसूरत है आप। थैंक यू। इतने दिनों के बाद किसी ने उनसे इतनी तारीफ की है मेरी। ऐसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आपके जैसे कोई खूबसूरत लड़की मिली नहीं, इसलिए मैं अभी तक कुंवारा हूं। के दोस्त तो बहुत पैसे वाले लग रहे थे। अगर ऐसा आदमी हमें मिल जाए तो रानी महारानी बन जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर किसी पराये मर्द को भूल रही थी? उसे ना देखो तो तुझ जैसे भिखारी पति को देखो क्या? देख अमर भाई। हाँ। जिंदगी में ना बहुत ज्यादा टेंशन भरी है। हाँ। लेकिन सच बात बता रहा हूं, आज तुझे यहां देख के ना मैं बहुत खुश हूं। मेरा भाई है ना इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। आई लव यू भाई। लव यू टू। कामयाब होने के लिए मेहनत भी बहुत की है यार, तभी तो आज करोड़ों का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। कामयाब तो अब होगा तू, वहां उन बुलंदियों को छुएगा। अरे दुआ है तेरे साथ भाई। ये पूरी बोतल खाली हो गई, और पियेंगे, जम के पियेंगे। मैं आया विनय। प्लीज विनय। मैं आया। ओके नहीं विनय, चलो विनय। हाँ? और नहीं पियेंगे आज के लिए, काफी है यार, अब बस बहुत हो गया। ये बोतल छोड़ 90। अरे नहीं यार बस हो गया। पार्टी शुरू हो गया। चलो उठो रूम में चलते हैं। चल चलो रूम में चल के सो जा। तू भी चल के सो जा। चलो रूम में चलो। बोतल लाएंगे। नहीं चलो। हाँ संभाल कर। अरे बैठो। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे भी अब चलना चाहिए। सुनिए रात बहुत हो गई है, तो आज रात आप यही रुक जाइए। जी लेकिन। लेकिन कुछ नहीं, आप नहीं जाएंगे, मैं गेस्ट रूम तैयार करवाती हूँ, आप वहां आराम कीजिए।
मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना? हाँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ, तो सोच क्या रहे हो? भर लो अपनी बाहों में। रात गए कौन हो सकता है? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? बस नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ कर बैठ गई। पर आप इतनी रात को क्यों जगे? अब सच कहूँ यार झूठ? मतलब ये कि जब से आपको देखा है मेरी आंखों में नींद नहीं है। सोते जागते हर वक्त बस आप ही को मिस कर रहा हूँ। अब आप मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए। बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाइए। मैं भी जाती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, तुम मुझे पसंद हो, बस इतना ही काफी है। और एक बार जो चीज मुझे पसंद आ जाती है फिर मैं जब तक उसे अपना ना बना लूं मुझे चैन नहीं मिलता। कितने सुंदर कपड़े हैं ये, इन्हें पहनकर हम अमन साहब को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाएंगे। एक बार अमन साहब हमारी मुट्ठी में आ गए उसके बाद हमारी जिंदगी भी ऐश की हो जाएगी। पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास, पैसे ही पैसे। निशी मैडम कपड़े हैं। हाँ तो गायब हो गए, तुमने चुराए हैं क्या? हाँ, ये निशी मैडम के ही कपड़े हैं और हमने ही चुराए हैं। अब तुम्हारे औकात तो है नहीं कि तुम हमें महंगे कपड़े दिला सको, तो चोरी चकारी करके ही अपने शौक पूरे करने होंगे हमें। तुम्हारे शौक है भाड़ में, मैं अपने मालिक घर पे ना चोरी करूंगा और अपने बीवी को चोरी करने दूंगा। मोहन, हमने कहा ना कपड़े हमें दो। मोहन, एक बार कान खोल के सुन लो। कल सुबह जाके मैडम को वापस कर दूंगा, बोल दूंगा गलती से रख दिए थे। अरे हाँ भाई, बोला ना तुम्हें कि पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। अरे सुबह से फोन करके तुम धमकियां क्यों दे रहे हो? जैसे पैसे का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। फोन रखो या क्या? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? किचन में काम नहीं है, जाओ। विनय शांत, ऐसे किसी पर चिल्लाने से पैसे तो नहीं आ जाएंगे ना? हाँ तो तुम ही बता दो कहाँ से और कौन देगा पैसे। कौन भाई?
तुम कब आए? जब तुम अपनी बीवी पर चिल्ला रहे थे। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हुआ? अब तुमसे क्या छुपाना यार, क्या था कि दरअसल मैंने एक टूर ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू किया था, जिसके लिए मैंने 50 लाख मार्केट से लिए थे। लॉकडाउन की वजह से बिजनेस ठप हो गया और वो पैसे भी नहीं चुका पाया, और अब वो लोग मुझे फोन करके धमकियां दे रहे हैं। अब तक तो सिर्फ फोन करके धमकियां दे रहे, लेकिन एक दिन वो लोग घर में भी घुस आए, फिर पता नहीं क्या होगा। बस इतनी सी बात, ये ले। ये क्या है? खोल इसे। इतने सारे? ये 1 करोड़ रुपए है। 50 लाख तेरा कर्जा चुकाने के लिए और बाकी के 50 लाख तेरा बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए। अब खुश? थैंक यू सो मच अमन भाई। अरे अमन भाई, अमन तूने ये पैसे देकर ना हमारे नहीं बल्कि हमारे घर के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तू नहीं जानता तूने क्या एहसान किया है मुझ पर। बता ये मैं एहसान कैसे चुका सकता हूं? एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है, अपनों की मदद करना यही मेरा काम है। एक बात तो है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तेरा ये एहसान जो है ना वो नहीं लूंगा। कैसी बात? तू अपना होटल छोड़कर हमारे साथ इस घर में रहे। अरे नहीं यार, मैं वो होटल में ही ठीक हूँ। निशि समझाओ ना इसे तुम। हाँ मन, मैंने बिल्कुल सही कह रहा है, अब तुम्हें उस होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो। अब आपने बोल दिया है तो मानना ही पड़ेगा। यही तो मैं चाहता था, कुछ ऐसा करूं कि इस घर में आ जाऊं, फिर तुम मेरी बाहों में होगी। जिस तरह से अमन साहब ने अपने दोस्त को पैसे देकर एक झटके में उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दी, अगर ऐसा आदमी हमारी जिंदगी में आ जाए तब तो हमारे सारे सपने ही पूरे हो जाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो, इस मछली को तो जाल में फंसाना ही पड़ेगा। थैंक यू। विनय साहब ने बताया था कि आपको कॉफी बहुत पसंद है। ओह सर नीचे ना। अरे क्या कर रही हो? माफ करिएगा, गलती से हो गया। बस ठीक है, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। अच्छा सुनो, वो जाते वक्त गीजर ऑन कर देना, मुझे नहाना है। ऊपर वाले ने इतना अच्छा मौका दिया है हमें, इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं कैसे चालू हो गया था, हमसे बंद ही नहीं हो रहा था। देखिए ना, हमें पूरे भीग गए हैं। कोई बात नहीं, तुम कपड़े बदल लो। हाँ जी मेहता साहब, कैसे आप? देखिए हमें अपना बिजनेस फिर से आगे बढ़ाना है, तो अब काम कीजिए आप, जो अकाउंट शेड्यूल से अपग्रेड। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ।
और फिर ऐसा करते, 3 दिन में मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, राइट? थैंक यू सर। विनय, मैं कह रही थी कि तुम अपने बिजनेस में। एक मिनट, मैं। वेट। हाँ जी, जॉन साहब। तो जॉन साहब, ऐसा है कि अपने बिजनेस के लिए मुझे 4-5 लग्जरियस गाड़ियाँ चाहिए, तो मैं काम करता हूँ, मैं 4 दिन में आपसे पर्सनली मिलता हूँ, ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। विनय, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो कितना काम है मुझे, बिजनेस आगे बढ़ाना है, 100 और चीजें हैं, प्लीज। वाओ, अब तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम अपनी बीवी की बात सुन सको। तुम क्यों इरिटेट कर रही हो मुझे? मुझे एक काम करने दो, जाओ अपना काम करो। अरे जाओ। जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हो रहा है। विनय को अपने काम में इतना बिजी कर दूंगा कि वो निशी से दूर हो जाएगा और फिर निशी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अरे अमन भाई, अरे आओ ना, बैठो। विनय, मैं सोच रहा था कि हम अपना टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस बैंगलोर में भी शुरू कर सकते हैं। फैंटास्टिक। अगर हम वहाँ पर बिजनेस सेटअप करते हैं तो हमें काफी प्रॉफिट होगा। यार, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया है और वहाँ पर अपने एक आदमी से बात भी कर ली है। परफेक्ट। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज शाम को ही 2 दिन के लिए बैंगलोर के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब पर तुम तो सच चलोगे ना? यार मैं जरूर तेरे साथ आता, लेकिन मुझे यहाँ एक जरूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ। तो तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ? ठीक है, आई मैनेज, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, राइट? ओके ओके पापा, सी यू। Flower for the beautiful lady. Thank you. इस ड्रेस में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी निगाहें तुम पर से हट नहीं रही। थैंक यू, पर आज यूं यहाँ मुझे ऐसे रेडियो के बुलाया, कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, स्पेशल तो है। अब मैं और विनय बिजनेस पार्टनर बन गए हैं और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी हैं, तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है ना? ठीक कहा अमन तुमने, जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो सब कुछ ठीक हो गया। इसके लिए मैं तुम्हें जितनी भी बार थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। बस बस, अब बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जब सेलिब्रेशन मोड ऑन करते हैं। इस शाम को और भी रंगीन बनाते हैं, साथ में डांस करके। अब वो अमन, देखो निशी, ना कुछ सोचने की जरूरत है और ना ही कुछ बोलने की। इस वक्त तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। सिवाय और कोई नहीं है।
इतनी बार हमने जाल फेंका लेकिन अमन साहब ने कभी हमें भाव तक नहीं दिया, और यह वो निशी मैडम के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अमन साहब हमारे जाल में नहीं फंसे तो क्या हुआ, उनका ये वीडियो हमारे अमीर बनने का शॉर्टकट होगा। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है आज, कोई लॉटरी वोटरी लग गई क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो, हमारे हाथ कुछ ऐसा लगा है कि अब हमें ज्यादा दिनों तक नौकर बन के काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब फिर से कोई कांड कर दिया क्या? अरे कांड तो हो चुका है पति देव, ये देखो। जिन, ये तुम निशी मैडम और अमन सर हैं? हाँ वही दोनों हैं। अब इस वीडियो के दम पे हम निशी मैडम और अमन साहब को वो क्या कहते हैं, ब्लैकमेल करेंगे, उसके बाद उन लोगों से मोटी रकम वसूलेंगे, उसके बाद हम भी अमीर बन जाएंगे और हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, पैसे ही पैसे। चुप कर, पैसे की लालच में अंधी हो गई तू, अब ये सब करेगी? चुप करो, खुद तो कुछ कर नहीं पाए और आज हमें मौका मिला है तो आए बहुत भाषण देने वाले। बड़ी होशियार बन रही है ना मोहन, मोहन कौन मोबाइल हमें, मोहन 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 फोन तो हमने नहीं दूंगा, मोहन मोहन हमने कहा ना, ये ले फोन, अब तुम्हारे अमीर बनने का सपना भी हमने उड़ा दिया, चल। जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा ना हमारे अमीर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। भूत खड़ा है मैडम, का है जहाँ होना चाहिए वही है साहब। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रहे हैं, जब से आप गए हैं तब से निशी मैडम अमन सर के साथ ही है। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद जाकर के अपनी आंखों से देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे अमन? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। जो काम पल होने वाला था वो आज और अभी हो रहा है। इस घर में घुसकर तुमने मेरे पीठ पीछे वार किया है अमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की? मैंने मेरी बात सुनो, देखो मैंने घुमा फिरा कर बात नहीं करता, मैं और निशी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और निशी तुम्हें छोड़कर मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती है। ओह तो चार दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आकर और तुम कह रहे हो मेरी बीवी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती है।
बेहतर यही होगा इस घर से सामान लेके रफा दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी इस घर में निशी के लिए आया था, पर अब जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई है तो फिर यहां रुकने से कोई फायदा नहीं। निशी चलो मेरे साथ। सोच क्या रही निशी, मेरे साथ चलो। निशी ये क्या है, मेरे साथ चलने की बजाय तुम मुझ पर हंस रही हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। क्या बकवास कर रही हो? अमन मेरे भाई, निशी बकवास नहीं कर रही है। वो क्या है ना कि जैसे बकरे को हलाल करने से पहले नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, अच्छा चारा खिलाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें याद होगा तुम उस दिन मुझे मिले, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया, तब पता चला कि तुम करोड़पति हो। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। तब मैंने और निशी ने मिलकर प्लान बनाया। बात समझने की कोशिश करो निशी, अगर तुमने अमन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया तो हमारे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। औरत अमन की कमजोरी है और वो तुम्हारे प्यार में आसानी से फंस सकता है। एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद हम उसे सब कुछ बता देंगे। क्या सोच रही हो? देखो पत्नी का धर्म होता है मुसीबत में पति का साथ देना। हम भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते थे, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी। विनय को कर्ज से बाहर निकालना था और उसका बिजनेस खड़ा करना था, तो बस इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ नजदीकियां बढ़ाई। जितना हंसना है हंस लो, अपने फायदे के लिए भले ही तुमने मेरे साथ मजाक किया है लेकिन मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना भी पड़े ना तो मैं वो भी कर जाऊंगा। आज रात आप यही रुक जाइए। मेरी शादी को इतने साल हैं, लेकिन विनय ने कभी मुझे इतना प्यार किया ही नहीं। काश तुम मुझे पहले मिले होते। हमें जैसे बकरे को हलाल करने से पहले नहलाया जाता है, अच्छा चारा खिलाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ है। विनय को कर्ज से बाहर निकालना था और उसका बिजनेस खड़ा करना था, तो बस इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ नजदीकियां बढ़ाई। इस खेल को तूने शुरू किया था विनय, लेकिन अब इसे अंजाम मैं दूंगा, क्योंकि अमन गुप्ता अपने धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं तो सोचा उनके पास हुआ, बस दो चार दिन में वापस आ जाऊंगा। तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं आई मैनेज। अच्छा चले।
साहब 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 तुम आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी ना कोई लड़ाई थी? तेरे पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी कोई लड़ाई नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। विनय का एक दोस्त है अमन, कुछ दिनों से वो हमारे साथ हमारे घर में रुका, पर दो दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि उसने विनय को मारने की धमकी दे दी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने अपने कानों से सुना था विनय साहब को उनके दोस्त ने जान चलवाने की धमकी दी थी। अमन का आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उन्होंने आपके पति को जान से मारने की धमकी दी थी? देखिए अमन तक पहुंचने से पहले मुझे आपसे सब कुछ सच जानना होगा। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल वो चलो आप हमें सीधे सीधे बताइए, आपने अपनी दोस्त की हत्या कैसे की? अच्छा हुआ वो धोखेबाज मर गया, अब ना तो मुझे उसके बारे में कोई बात करनी है और ना ही उस घटिया इंसान का नाम अपनी जुबान पर लाना है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपको एक जरूरी सूचना देनी है, शायद विनय की हत्या के साथ इसका कुछ संबंध हो। क्या है वो बात? मेरे लॉकर से 50 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी गायब है। क्या? मैं अभी वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजता हूँ, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, ले चले इन्हें। लेकिन क्यों? अरे लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम क्यों आए हो? निकल यहाँ से, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, जेल में, जेल में। देखो निशी, तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन एक बार शांति से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, बहुत बेशर्म आदमी है ये। मेरे पति और मालिक की हत्या करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? आप मैडम जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाइए, तो मेरे हाथों से इसका खून हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि इस इंसान ने मेरे पति और मोहन की हत्या की है, आपने इसे कैसे छोड़ दिया? आपकी पति की और मोहन की हत्या में इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैडम, जब आपने हमें ये बताया था कि आपके घर से 50 लाख रुपए की कैश और कुछ गहने की चोरी हुई है, तो फिर हमने इस केस को दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार पैसों को सबसे इतने सावधानी के साथ निकाल लिए गए कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हमेशा आपके घर में चोरी वही आदमी कर सकता है जिस आदमी को इस घर की पूरी जानकारी हो। वारदात वाले दिन क्या तुमने इस घर में किसी को आते जाते हुए देखा था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हाँ हम तो सुबह ही बाजार चले गए थे, किसी को नहीं देखा। रानी जी के कमरे से मिला है। अब अच्छा यही होगा आप हमें सब कुछ सच बताओ, बताओ। बताते हैं इंस्पेक्टर साहब, सब सच बताते हैं। हमने मालिक और अपने पति की हत्या की है। हमें अमीर बनना था साहब, बहुत अमीर, लेकिन हमारे पति इन सब के खिलाफ थे, वो अपने मालिक के वफादार थे। बहुत दिनों से हमारी नजर विनय साहब की दौलत पर थी, तभी विनय साहब और उनके दोस्त के बीच झगड़ा हो गया, हमें मौका मिल गया। निशी मैडम भी घर पर नहीं थी, तब हमने प्लान बनाया कि सबसे पहले विनय साहब को मारेंगे, उसके बाद सारा पैसा गहना लेकर के
वहां से चले जाएंगे ताकि किसी का भी ध्यान चोरी पर ना आए, सारा ध्यान उनके दोस्त अमन पर आ जाए। उस दिन विनय साहब लॉन में एक्सरसाइज कर रहे थे तभी संभालो निशी, और जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ।